के ग्रामीण क्षेत्र बस्ताड़ा में बिजली की किल्लत के चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते गत रात्रि बस्ताड़ा बिजली कार्यालय का ग्रामीणों द्वारा घेराव किया गया। ग्रामीणों ने कहा कि विभाग द्वारा खेती के कार्य के लिए पर्याप्त बिजली मुहैया नहीं करवाई जा रही, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बता दें कि गेहूं के सीजन में बिजली की किल्लत के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज बस्ताड़ा बिजली कार्यालय में ग्रामीणों द्वारा घेराव का आह्वान किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री को तो बिजली मुहैया करवाई जा रही है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र का बिजली से वंचित रखा जा रहा है। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभालते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग विभाग तक पहुंचाई जाएगी। वहीं बिजली विभाग के जेई ने भी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि ग्रामीणों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति मुहैया करवा दी जाएगी। पुलिस और बिजली विभाग के जेई के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हो गए। जय साहब, क्या देखा मौके पे? ग्रामीणों का आरोप है, एक मिनट चुप हो जाओ। जय साहब, ग्रामीणों का आरोप है कि आप लोगों की लापरवाही से इनके 70 से 80 एकड़ जमीन फन्ने जल गए, पराली जल गई, तूड़ी जल गई, सब जल गया। ठीक है जी, एक किला बाग खत्म हो गया। ठीक है जी, क्या आपका क्या कहना? धनिया खत्म हो गया, ट्यूलों पे रखा था वो भी बर्बाद हो गया। जमींदार जो है, किसान जो है, खेतों से अपनी जान बचा के भाग्या, ट्रैक्टर छोड़ के भाग्या, क्या कहना आपका? जी, जैसे ही पता लगा कि भाई ये बात है कि यहाँ पर जो 33 के भी लाइन है उसकी बंद हो गई है, तो नहीं बंद हो गई है, बंद होना एक अलग बात है। किसानों का आरोप ये है कि जब बिजली बंद किसानों के लिए कर दी गई है, यहाँ से बिजली चालू क्यों थी? यहाँ से जितने भी 11 के भी फीडर है ना, हमारे 11 के भी फीडर बंद रहते हैं। जो 33 के भी फीडर होते हैं वो एसडीओ के अंदर होते हैं और वो पीछे से बंद नहीं हो सकते। 11 के भी लाइन होती है, जब हम उसका स्विच ऑफ काट के और लाइन को बंद करते हैं। सर, 33 की लाइन किसका जा रही है? 33 की बिजली 33 की लाइन, जैसे ये बड़ा पावर हाउस है वो छोटे पावर हाउस में बिजली देते हैं। 33 के भी ये यहाँ से बिजली बन के 33 के भी पावर हाउस में जाते हैं। जब वो तो पावर हाउसों की गांव की बिजली बंद है, गांव की बिजली बंद है तो भेजना क्या जरूरत है? जब जरूरत ही नहीं है। रुको एक मिनट, गवर्नमेंट का ऑर्डर है अभी शाम के 6 बजे तक लाइट बंद रहेगी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो भी ये बंद थी। सर, जो मामला है यही है कि इंडस्ट्री को लाइट जा रही है पूरी और गांव को कम मिल रही है लाइट। अगर जेई साहब अब आश्वासन दे रहे हैं कि अगर पूरा करेंगे तो ठीक है, हम अपना वापस लेते हैं और लाइट उनको कहते हैं चालू करते हैं। और हमने इसलिए कह रखा है कि दिन में लाइट देते हैं अपना फैक्ट्री वालों को और गांव वालों लाइट देते हैं बिल्कुल भी। एक महीने के लिए लाइट बंद कर रखी है हम कहते हैं, पर अगर हमें लाइट बंद करते हैं तो फैक्ट्री वालों भी बंद होनी चाहिए लाइट। मुझे कहते हैं मतलब लाइट मिले तो सबको मिले या फिर किसी को सब मिले, तो ये थोड़ी है कि फैक्ट्री वालों को लाइट मिले और गाँव वालों को लाइट बंद हो। मामला अभी है कि 2-2.5 घंटे से लाइट आई हुई है, लेकिन ये गांव के लोग हैं जो कि पावर सप्लाई नहीं चलने दे रहे हैं। नहीं तो उनका रख रहे हैं, हम उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन देते हैं जी। उनसे हमारी अपील है, कृपया करके पावर हाउस की सप्लाई को चालू करो। गांव के किसान आज पावर हाउस में इकट्ठे होते, क्या कुछ मामला था? संतुष्ट हो गए हैं किसान? शांत है या कुछ अभी तनाव है? नहीं, सब शांत पूर्वक है, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। गेहूं के फानों के अंदर आग लग गई थी, मौके पर हम भी पहुंच गए थे, अब बाद में एसडीओ साहब आए। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।